हाय एवरीवन वेलकम बैक आज मैं आपके साथ ना इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मार्केट में ये ना काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है बट ट्रस्ट मैं आप इसे घर पे ना सेम फ्लेवर में इनफैक्ट बेटर फ्लेवर में घर पे बना सकते हैं और झटपट से बहुत इजी है इसे बनाना बस सारे स्टेप्स को अच्छे से आप फॉलो कीजिएगा इसे बच्चे भी बना सकते हैं बड़े भी बना सकते हैं बहुत आसान है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हम गार्लिक बटर यू बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे अमूल का बटर यूज़ किया है ये ऑलरेडी सॉल्टेड होता है तो मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा बटर नहीं यूज़ कर रही हूँ और इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है इसलिए मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ आप चाहो तो कोई और भी कर सकते हो लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है उसके बाद यहाँ पर मैंने गार्लिक यूज़ किया है गार्लिक को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है आप चाहो तो इसे हल्का सा फ्राई भी कर सकते हो अगर आपको गार्लिक की स्मेल नहीं अच्छी लगती है तो आप चाहे तो फ्राई कर सकते हो बट ये ऑलरेडी बाद में पकता है थोड़ा सा तो फ्राई करने की जरूरत नहीं है आपका टाइम ही बचेगा आप इस तरह से लेकिन मेक श्योर sure, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉरियडर यूज़ किया है यानी धनिया यूज़ किया है आप यहाँ पर अगर आपके पास ना स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज है तो उसे भी बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं मेरे पास वो नहीं था तो मैं स्किप कर रही हूँ आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें उसके बाद यहाँ पे मैं मिक्स्ड हर्ब साथ में इटालियन जो सीजनिंग होती है जिसे हम ऑर्गेनो वगैरह भी कहते हैं ऑर्गेनो यूज़ कर रही हूँ इनमें से कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है मैं यहाँ पर ऑर्गेनो यूज़ कर रही हूँ और साथ में यहाँ पर चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ चिली फ्लेक्स जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बस उसके बाद हमें इन सबको अच्छे से हमने मिक्स करना है लेकिन मेक श्योर sure जो आपका बटर है ना वो रूम टेम्परेचर पे हो तभी ये अच्छे से मिक्स होगा अगर ये बिल्कुल घुला हुआ होगा क्योंकि अगर आप इसे गर्म करोगे ना तो वो एकदम मेल्ट हो जाता है तब वो अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो अगर गर्मियाँ हैं ना तो आप इसे नॉर्मल फ्रिज से निकाल के दो घंटे के लिए रख दीजिए बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है इसलिए ध्यान जरूर रखें कि जो आपका बटर है रूम टेम्परेचर पर हो बहुत ज्यादा सख्त ना हो सॉफ्ट भी ना हो अगर आपके अगर सर्दियाँ हैं तो आप थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिए आपका बटर जो है बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा गार्लिक बटर बन तैयार है इसे आप कई तरह की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं गार्लिक ब्रेड के लिए या फिर आप गार्लिक नान वगैरह बना रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है उसके बाद मैंने यहाँ पे पाव लिए हैं नॉर्मल पाव है ये इंस्टेंट हम गार्लिक ब्रेड बनाने वाले हैं तो इसलिए हमें रेडीमेड हमने यहाँ पे पाव लिए हैं हम ब्रेड साथ में नहीं बेक करेंगे ऑलरेडी बनी हुई हम पाव ले रहे हैं इस तरह से हमने इसे किसी भी आप बेकिंग ट्रे में या फिर कोई भी ऐसे किसी बर्तन में रख अच्छी खासी आपको फिल करनी है ताकि दोनों साइड की उसमें अच्छी क्वांटिटी में बटर जो है लग पाए ओवर भी नहीं लगाना है बट इतना कि एक अच्छी सी कोटिंग दोनों साइड में हो जाए इसी तरह से हम इसके हर स्पेस के बीच कर लेंगे देखिए इसे बनाना तो बहुत आसान है लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना तो एज़ इट इज़ आपकी रेसिपी तैयार होगी सिंपल है बहुत ही आसान है और इस तरह की अगर और भी आप सिंपल और आसान रेसिपीज देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है ना मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सारे में अच्छे से बटर जो है फिल कर दिया है यहाँ पे बटर जो है मैंने 50 ग्राम यूज़ किया था और मेरा पाव जो है ये तीन नौ, जो छः का पैकेट आता है ना वो नॉर्मल पाव मैंने यूज़ किए थे अप्रॉक्सीमेटली ढाई सौ से तीन सौ ग्राम के ये होते हैं तो उसके लिए फिफ्टी ग्राम्स मैंने यहाँ पे बटर यूज़ किया है बहुत आराम से बिल्कुल पूरा पूरा हो जाता है आपका कोई बटर वेस्ट नहीं जाएगा और ना ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी बचेगी उसके बाद बटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज़ यूज़ किया है जिसे ऑलरेडी मैं ग्रेटेड वाला यूज़ कर रही हूँ अगर आप ब्लॉक वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे पहले अच्छे से कद्दूकस कर लें ग्रेट कर लें और इन सारे जो है जिसमें हमने बटर फिल किया है ना इन सारे होल्स में हम इसमें अच्छी क्वान्टिटी में चीज़ हम ऐड कर देंगे अब चीज़ की क्वान्टिटी इतनी होनी चाहिए जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से बिल्कुल स्टफ़ होना चाहिए क्योंकि चीज़ अगर अच्छी क्वान्टिटी में होगा ना तभी उसको खाने का आएगा और जिस तरह से हम उसे निकालते हैं ना तो एक चीज़ ही जो उसकी जो लेस बनती है ना वो तभी बन पाएगी अगर आप अच्छी क्वान्टिटी में मोजरेला चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मोजरेला चीज़ भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी ग्राम्स ही यूज़ की है और ज्यादा वो भी नहीं लगेगी क्योंकि इतने छोटे छोटे होल्स तो हैं इसमें इसमें कितनी ही आएगी लेकिन जितने भी होल हैं अच्छे से फिल होने चाहिए तो इस तरह से सारे मैंने फ़िल कर दिए हैं अब इसे अच्छे से स्टफ करने के बाद जो हमारा बटर बच गया है वो भी हम सारा इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये बटर जो है ना इस ब्रेड को एक अच्छा फ्लेवर देगा इनफैक्ट इसी से ही वो गार्लिक वाला फ्लेवर आएगा तो इसे अच्छे से ऊपर से हम एक कोट लगा देंगे क्योंकि वैसे भी ये जो बन है हमारे ये पाव जो है ये बिल्कुल फीके हैं और हमने कोई नमक एक्स्ट्रा नहीं यूज़ किया है इस बटर में और चीज़ में ही जो सॉल्ट है वही हमारी इस ब्रेड को फ्लेवर देगा सॉल्टी भी और चीज़ी भी उसके बाद आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं अगर कढ़ाई में बना रहे हैं मेरी तरह से तो कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए जी हाँ खाली कढ़ाई को गर्म करना है ढक्कन लगाने के बाद उसके बाद इस तरह से कोई कटोरी रख लीजिए या कोई भी स्टैंड है अगर आपके पास वो रख दीजिए मुझे स्टैंड वगैरह रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा बर्तन है ना इस कढ़ाई के ऊपर ऊपर ही रह जाता है अच्छे से फिक्स हो जाता है इसकी शेप ही कुछ ऐसी है लेकिन अगर आपके कोई बर्तन ऐसा है जो कढ़ाई के बीच में बैठ जाता है तो बेसिकली पर्पस ये है कि जो बर्तन है वो कढ़ाई के साथ टच नहीं होना चाहिए इसलिए बीच में स्टैंड जरूर रखे हमने उसके हीट के अंदर ही से अवन बनाना है हमने देसी अवन बना करके इसे पकाना है तो उसके बाद प्री हीट हमने कढ़ाई है प्री हीट यानी कि पहले से गर्म कढ़ाई के बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए दस मिनट के लिए इसे पकाना है उससे उसके बाद क्या होगा हमारी जो ब्रेड है ऊपर से क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी अंदर से सॉफ्ट और बिल्कुल चीजी हो जाएगी आप देख ही सकते हैं खान अभी से काफी अच्छी लग रही है उसके बाद हम उसके ऊपर से जो बटर है वो थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे आप चाहे तो गार्लिक वाला भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन गार्लिक जो है ना अभी हमारा कच्चा था जो हमने बटर में यूज किया था तो वो वाला बटर नहीं यूज करेंगे नॉर्मल सॉल्टेड अमूल का बटर जो रहता है वो ऊपर से ऐड करेंगे उससे ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये आप इसे अगर अवन में बनाना चाहते हैं तो प्री हीटेड अवन में वन डिग्री पे आप टेन मिनट्स के लिए इसे बेक कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी ये ब्रेड बनके तैयार है और बहुत जल्दी से बन जाती है आसान भी है तो मार्केट में इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की बजाय घर पे बनाइए बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से और अगर आप इसको इसकी डिटेल रेसिपी चाहते हैं जो एक्चुअल होती है जिसमें कि ब्रेड भी हम घर पे बनाएंगे, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और, और रेसिपीज़ के लिए फॉलो ज़रूर कर लें